करवा चौथ व्रत का सुहागिनियों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ देती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन सुहागिनों के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिने अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। करवा चौथ व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस साल चंद्र दर्शन करना अनिवार्य होता है। चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में करवा चौथ व्रत इस साल 1 नवंबर को रखा जाएगा। करवा चौथ पूजन मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:36 से शाम 6:54 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की है। करवा चौथ व्रत टाइमिंग सुबह 6:33 से रात 8:15 तक है। व्रत की अवधि कुल 13 घंटे 42 मिनट की है। इस साल करवा चौथ का चांद रात 8:15 पर दिखाई देगा। हालांकि अलग अलग शहरों चांद दिखने की टाइमिंग अलग अलग होगी। करवा चौथ व्रत में सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करें, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें, करवा चौथ निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस पावन दिन शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें और आरती उतारें। अब पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ के दिन श्री गणेश, माँ गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा पूजन से महिलाओं को पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख का वरदान मिलता है। विधि विधान से ये पर्व मनाने से महिलाओं का सौंदर्य भी बढ़ता है। करवा चौथ की रात सौभाग्य प्राप्ति के प्रयोग का फल निश्चित ही मिलता है। केवल सुहागिने या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां वे व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने वाली स्त्री को काले और सफेद कपड़े कतई नहीं पहनने चाहिए। करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष फलदायी होता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। ये व्रत निर्जल या केवल जल ग्रहण करके ही रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी ये व्रत रख सकते हैं।